दोस्तों, मोबाइल की बैटरी के टाइम को इंक्रीज करने के लिए तो जो पुराने मेथड है वो तो आप सभी लोगों को पता ही है कि भाई हमें अपने मोबाइल की ब्राइटनेस कम रखनी है, बैकग्राउंड में एप्लीकेशन नहीं चलानी है और भी बहुत सारे एक्सेट्रा ट्रिक जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बहुत बार। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ जिस ट्रिक को यूज करके आप अपने मोबाइल की बैटरी के बैकअप को बहुत ज़्यादा टाइम तक दोस्तों इंक्रीज कर सकते हो। और दोस्तों यकीन मानना, यहाँ पर यदि आपके मोबाइल की बैटरी 24 आवर्स चल रही होगी तो अब आप अपने मोबाइल की बैटरी को 48 आवर्स जो है चला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल की बैटरी को 48 घंटे पूरा यूज कर सकते हो अपने मोबाइल में। अब दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझना। तीन सेटिंग आपको अपने मोबाइल में करनी है जो कि न्यू आई है, जिसको आपको समझना है, ओके। और उसके बाद आप अपने मोबाइल को यूज करेंगे तो 101% आपके मोबाइल की बैटरी बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है इंक्रीज हो जाएगी। अब ये तीन सेटिंग कौन सी है, तीन ट्रिक कौन सी है, थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना, सभी दोस्तों के पास शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ नया तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपने मोबाइल की बैटरी को बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज कर पाएंगे, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों, जो आप अपने मोबाइल की बैटरी को यूज करने के लिए पुराने मैथड यूज करते हैं, यहाँ पर वो नहीं है, कुछ नया है। मैथड वही रहेंगे सेम, लेकिन इसको यूज करने का तरीका आपका कुछ यूनिक होगा, ओके। ये यहाँ पर आपका जो तरीका होगा उसको आपका मोबाइल ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड करेगा, अपने आप ही समझेगा और अपने आप ही आपको एक बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा केवल तीन सेटिंग करने से। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, यदि आप अपने मोबाइल में एक फीचर रहता है जिसका नाम रहता है पावर सेविंग मोड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे मोबाइल में है पावर सेविंग मोड, ये सभी के मोबाइल में रहता है। तो यदि आप इसको ऑन कर देते हो, ओके, तो बहुत सारे फंक्शन रहते हैं आपके मोबाइल के, वो बंद हो जाते हैं, तरह तरह के कुछ फीचर्स रहते हैं वो बंद हो जाते हैं, ओके। वैसे भी सभी लोगों को पता है कि हाँ भाई, पावर सेविंग मोड एक नॉर्मल सी बात है, ये तो सभी को करना ही है। लेकिन करना तो सभी को है, लेकिन यदि आप अब इसको एक यूनिक ट्रिक के साथ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ओके। ट्रिक क्या है अब थोड़ा समझना, तीन सेटिंग करनी है मोबाइल के अंदर, तीनों को ध्यान से समझना, ओके, और जानना। सबसे पहले ये सेटिंग करेंगे आप अपने मोबाइल के लिए, बैटरी के लिए। आप जाएंगे अपने मोबाइल की सेटिंग में, यहाँ पर सेटिंग में इस तरीके से आप चले जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर जब आप नीचे चलते जाएंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर अब आप देख सकते हो एक ऑप्शन आया है बैटरी एंड डिवाइस केयर। आपके मोबाइल में हो सकता है डिवाइस केयर के नाम से हो, फोन मैनेजर एप्लीकेशन रहती है एक, ओके, वो एप्लीकेशन वो आपके मोबाइल में जो कंपनी ने डालकर भेजी आपके मोबाइल में। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको इस वाले स्क्रीन पर आ जाना है जहाँ से आप अपने मोबाइल को ऑप्टिमाइज करते हो। अब यहाँ पर आपको तीन सेटिंग करनी है दोस्तों। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, बैटरी की सेटिंग में जाएंगे। यदि आपके मोबाइल में बैटरी की सेटिंग यहाँ से नहीं निकलती तो आप डायरेक्ट सर्च करके बैटरी वाले सेटिंग में चले जाना, ओके। यहाँ पर मेरे मोबाइल में यहाँ पर है तो बैटरी वाले सेटिंग में मैं चला जाता हूँ। बैटरी वाले सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखना इस चीज़ को, ओके। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है पावर सेविंग मोड का, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, ओके, फीचर वही रहेगा क्योंकि एक ही तरीका है जो मोबाइल आपको देकर भेजता है पावर सेविंग मोड का, बैटरी के टाइम बढ़ाने का तरीका वही रहेगा लेकिन यूज करने का तरीका अलग रहेगा। यहाँ पर पावर सेविंग मोड को ऑन करने से पहले आप इसको ऑन नहीं करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐसे, आपने इसको टच किया, यहाँ पर ऊपर की साइड कुछ फीचर ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये ऑन करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, ये सेटिंग मिलेगी लिमिट सीपीयू स्पीड 70%, ओके। तो हमें मोबाइल की स्पीड नहीं घटानी है जबकि हमारे मोबाइल की जो बैटरी है वो भी ज़्यादा टाइम तक चले, तो ये सेटिंग आप बंद कर देंगे पहले और इसके बाद आप इसको यहाँ से ऊपर से ऑन कर देंगे। अब आपका पावर सेविंग मोड ऑन हो चुका है, ओके। अब यहाँ पर आप बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद दोस्तों ये पहले सेटिंग करनी है आपको। अब दूसरे नंबर पर आपको क्या सेटिंग करनी है, ये दोस्तों वो ट्रिक होगी जिससे आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा तक टाइम तक जो है चल पाएगी। अब दूसरी सेटिंग करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों मोर बैटरी सेटिंग, मोर बैटरी सेटिंग में जाएंगे आप। मोर बैटरी सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा अडेप्टिव बैटरी, इस वाले सेटिंग को आप ऑन यहाँ से कर देंगे, ओके। अडेप्टिव बैटरी वाले सेटिंग को ऑन करने के बाद आप जाएंगे बैक। अब यहाँ पर आपको तीसरी सेटिंग करनी है,
और तीसरी सेटिंग करने के बाद जो सबसे इनका फाइनल रिजल्ट आएगा, जो मैंने आपको बताया था ट्रिक वही है लेकिन यूज करने का तरीका अलग होगा, तो इसके बाद एक और फाइनल सेटिंग है जो इन तीनों को मिलाकर एक सेटिंग बनेगी केवल, ओके, वो आपको करनी ही करनी है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। तीसरे नंबर पर सेटिंग क्या करनी है और उसके बाद क्या एक ट्रिक लगानी है आपको, वो ध्यान से देखना। तीसरे नंबर पर आपको जाना है बैकग्राउंड यूसेज लिमिट में। यहाँ पर जाने के बाद एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों, डीप स्लीपिंग ऐप। डीप स्लीपिंग ऐप में जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप कम से कम अपने मोबाइल की, यदि आप अपने मोबाइल में 60 ऐप यूज करते हो तो 40 ऐप को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जो कि डीप स्लीपिंग में जाएगी। मोबाइल की परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, बस वो एक्स्ट्रा में जो है वर्क नहीं करेगी, वो स्लीप रहेगी जब तक आप उसको खुद से ही ऑन नहीं करेंगे, खुद से ही उस एप्लीकेशन में काम नहीं करेंगे, ओके। अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ऐसे क्लिक कर करके यहाँ पर आपको एज लिस्ट 60 में से 40 ऐप आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर करना है ऐड, ये सभी ऐड हो जाएगी। इसके बाद आप जहाँ से जाएंगे बैक, ओके, ये आपको करना है। मैंने इसलिए नहीं की सारी जिससे के लिए वीडियो लंबी ना बने। अब आपने तीनों सेटिंग दोस्तों कर ली है अपने मोबाइल के अंदर। अब आपको फाइनल में क्या करना है दोस्तों, ये जो तीनों सेटिंग आपने की इनका जो एक तोड़ है, ओके, ये जो तीनों सेटिंग है ये आपने कर ली, लेकिन आप बार बार तो नहीं करेंगे ना आकर अपने मोबाइल में, तो क्यों ना ये तीनों सेटिंग आपकी, आपका मोबाइल अपने हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट करता रहे, जिससे कि मोबाइल की परफॉर्मेंस पर भी कोई फर्क ना पड़े, बैटरी भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक चल पाए, ओके, और आपको अपने मोबाइल के जितने भी फीचर है वो भी कंप्लीट रूप से मिलते रहे। तो कितनी ज़बरदस्त बात होगी दोस्तों यदि आपका मोबाइल ये पूरा प्रोसेस अब जिंदगी भर के लिए ऑटोमेटिक करे, ओके, जब तक कोई नेक्स्ट ट्रिक नहीं आती। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों अब आपको बैक जाना है। अब यहाँ पर आपको जो ये वाली मेन स्क्रीन थी ना, यहाँ पर ही इस मेन स्क्रीन पर आ जाना है, ओके। अब यहाँ पर ऊपर की साइड थ्री डॉट मिलेगा, थ्री डॉट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेशन का, ओके, ऑटोमेशन में जाना है। ऑटोमेशन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अडेप्टिव पावर सेविंग, आप इसको ऑन कर देंगे। इसको ऑन करने का मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप रीड कर सकते हो, टर्न पावर सेविंग मोड ऑन एंड ऑफ ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन योर यूसेज पैटर्न सो यू कैन सेव पावर व्हेन इट इज नॉट नीड। आपका मोबाइल ऑटोमेटिक ही जितने भी आपने पावर सेविंग मोड के फीचर्स यूज किए हुए हैं उनको ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ करेगा टाइम टाइम पर जब आप अपने मोबाइल को यूज नहीं कर रहे हैं, और यदि एक ऐप यूज कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में सभी प्रोसेस को ओके कंट्रोल करेगा, फीचर भी नहीं रोकेगा, कोई एक्टिविटी भी नहीं रोकेगा, बस उसको इस तरीके से स्लीप में डाल देगा कि कोई भी जो एक्स्ट्रा पावर है वो उन ऐप के अंदर ना जाए, और ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा। आपका मोबाइल अपने आप ही ऑटोमेटिक पावर सेविंग मोड को ऑन ऑफ करेगा टाइम टाइम पर, जिससे आपके मोबाइल को एक बेस्ट जो है पावर सेविंग ऑप्शन मिलता है और आपके मोबाइल का जो बैटरी बैकअप है वो लंबे टाइम तक चलता है, ओके। तो दोस्तों आपको बस ये ट्रिक अप्लाई करनी है अपने मोबाइल में, इसके बाद जब तक कोई नेक्स्ट ट्रिक नहीं आती जब तक आप इसको यूज कीजिए, जैसे कोई नेक्स्ट ट्रिक आएगी मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा। अभी के लिए यही है जिससे आप अपने मोबाइल की बैटरी लाइफ को बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ ना सीखने को मिला होगा, तो वीडियो की कृपया लाइक करना। तो हिता वीडियो में नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।